गाड़ी है वेल्वो और इसमें प्रॉब्लम है ओवर हीटिंग का। मैकेनिक काफ़ी काम कर चुके हैं और सामान दिखाऊंगा तो हैरान रह जाएंगे, इतना सामान बदली हो चुका है इसका। अब ये सारा सामान देख सकते हैं कितनी पाइपलाइन है, ये सारी काफ़ी, ये देखो एल्बो पेल्बो जाने क्या क्या, इतनी पाइपलाइंस, हर चीज़, ये डब्बे डुब्बे, ये काफ़ी कुछ इन्होंने चेंज करा लिए हैं काफ़ी कुछ, और तभी भी प्रॉब्लम छोटा ही हुआ। काफ़ी कुछ का मतलब मैं बता देता हूँ आपको, अभी तक सोच रहे होंगे ये पाइप साइप छोटा मोटा कराए होंगे। भाई इसका हेड भी हो चुका है, हेड गैस्केट भी बदल चुका है, समझो कितना 1.5-2 लाख पी जाती है गाड़ी हेड हेड करने में। वेल्वो है, ES80 मॉडल है, कौन सा मॉडल है ये, ES80 है, ठीक है। तो अब भाई मामला तो सीरियस है, हेड हो गया, पाइप लाइन बदल गया। इन्होंने बताया मेरे से कि ये काम नहीं हुआ है जो रेडिएटर नहीं खुला है इसका, तो पहले हम कुछ भी चेक करने से पहले रेडिएटर खुलवा के देखते हैं कहानी क्या है। देख सकते हैं ना, ये पहला स्टेप रहेगा इसका, रेडिएटर खोलो जरा, देखो कंडीशन देखो, ऐसा नहीं लग रहा आज तक तो खुला है रेडिएटर इसका, पर तुम पहले रेडिएटर खोलो, हम एक प्रोसेस से काम करेंगे। ये देखो धूल मिट्टी देख रहे हो ना, बम्पर तो बाहर निकाल दी, अब इसके रेडिएटर और कंडेंसर को अलग करेंगे, निकालेंगे हम, हटाओ भाई ये पानी है पूरा, कूलेंट का कोई नामो निशान नहीं है। चलो आराम से निकालो, इधर से आओ भाई, ऐसा करो इसको, मेरे को तो वजन बहुत लग रहा है यार, ये तो कितना है कुछ गड़बड़ है, इसको भेजवाओ जरा एक बार क्लीनिंग पे, देखो क्या कहानी, अंदर कितना कचरा है कि नहीं है। तो अभी ये रेडिएटर को फिट करा दिए हैं, ठीक है, रेडिएटर फिटिंग चल रही है, कितना टाइम लगेगा ऐसे लगेंगे तो 15 मिनट। और रेडिएटर तुमने लेके गए तो क्या बोला रेडिएटर वाला, कैसा था जी? रेडिएटर चौक था, बिल्कुल चौक था जी। तो अब माने फोल्ट की दूर हो जाएगा जी, क्या कह रहा, पहली बार खुला था या फिर खुल चुका था इससे पहले? पहली बार खुला, पहली बार खुला है। चलो तो अभी रेडिएटर को हम लगवा रहे हैं, फिटिंग करा रहे रेडिएटर को सारे को, उसके बाद से देखते हैं क्या कहानी है यार। स्टार्ट, भाई पहले तो इसकी वायरिंग पूरी रिपेयर कराई है, बहुत ज़्यादा वायरिंग वो ख़राब हो रही थी, ये देखो अभी ताज़ा MC लगाए हैं, सारा वायरिंग सारी पूरी फूंक रही थी, वायरिंग पूरा रिपेयर कराई है, है? फ्यूज उड़ रहा था ना, जैसे ही लगा वैसे ही शॉर्ट। अच्छा तो ये वायरिंग का फॉल्ट था, वायरिंग करवाए अब जाके गाड़ी स्टार्ट हुई, अब मिसिंग देखो चालू, दर 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 दर, अरे कहाँ है बदबू तो आ रहा भाई, ये ची 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 कितना खर। वसीम भाई एक बार देखना सलेंसर में कुछ मार कर आया क्या? हाँ, है? अरे बदबू मार रहा है कि खुशबू दे रहा है, जरा देख के आना, खुशबू लग रहा है, एक बार खुशबू और बदबू का देखो, बस देख के बताओ मेरे को। नहीं बदबू आ रहा है कि खुशबू, बदबू आ रही है, हाँ ठीक है, यही कन्फर्म करना था, आंखों में लग रहा है, चेक इंजन लाइट भी आ रही है, अब हल्की हल्की मिसिंग भी है इसमें, अब बहुत बुरी बदबू मार रही है ये। अभी दूसरा दिन है, मॉर्निंग का टाइम है, हम पहले कन्फर्म करेंगे क्या वो जो पहले दिन बदबू आ रही थी वो दोबारा आ रही है, इंजन मिसफायर कर रहा है कि नहीं। तो हम सबसे पहले सुबह का टाइम है, अभी स्टार्ट करेंगे, रेस्ट तो नहीं दे रहे हो ना, हटा लो पैर, हटा लो, मिसिंग दे रही हल्की हल्की, ओहो हो स्मोक मार रही है, चलो हल्का सा रेस्ट, तो हल्का हल्का, चलो चलो चलो, बहुत माइनर मार रही है, आया तब तक धुआं उठ चुका था, बस छोड़ दो, बदबू बहुत भयंकर है भाई। बदबू बहुत भयंकर है भाई, हैं? और इंजन मिस फायर भी कर रहा, दद 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 ऐसे कर रही है गाड़ी। तो कोई बात नहीं, हम कन्फर्म हो गए, बंद कर दो, अब हम कन्फर्म हो गए, इसका हेड का वाल सील डलेगा, हेड की लैपिंग होगी, दूसरा गैसकेट डालूंगा, बस इतना काम है, बस दौड़ ये जो कर रही है ना ये समस्या खत्म हो जाएगी। आज जो पीछे बहुत भयंकर बदबू, आपको कैसा लग रहा है?
भाई साहब घर से गाड़ी निकलती है, कहते हैं गार्ड तक भी अगल बगल भी परेशान हो जाते हैं, इतनी बदबू मारती है गाड़ी। तो इतना ज्यादा बदबू तो मैंने देखा ही ना लाइफ के अंदर। तो अब मैं इसको हेड को बखेड़ने वाला हूँ पूरा। अब यहाँ देख सकते हैं बोंड लगा हुआ है अभी ताजा ताजा। इन्होंने मुझे लग रहा है कि महीना एक पहले ही हेड गैस्केट भी डलवाया हुआ है, खाली रेडिएटर उन्होंने नहीं किया था जिसकी वजह से दोबारा से प्रॉब्लम आ गई। काश रेडिएटर उस टाइम कर देते तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। अभी क्या है ना, मिसिंग है और धूम पीछे बदबू है, तो इसके लिए मुझे दोबारा से हेड खोलना पड़ेगा। खाली वाल की सील डालने के लिए, वाल की सील डालना है और एक बार वालों की लैपिंग करवा देना एक दौरे से, क्योंकि वाल की जो सीटें हैं ना उस पर जंग लग गया है जिसकी वजह से गाड़ी मिसफायर कर रही है और बदबू मार रही है। तो हम सबसे पहले इसका हेड उतार के और उसके वजह से इसका काम करवा के रखेंगे। रेडिएटर तो करवा दिया बढ़िया। ये लीकेज देख रहे हैं ना, ये लीकेज भी है और नीचे तक भी ऑयल की लीकेज हो रही है, मतलब देख रहे हैं कितनी बुरी तरीके। तो इन सब गाड़ियों में लीकेज नहीं चाहिए भाई। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा जरूर हर हाल में। कन्फर्म हो गया कि हेड तो खोलना है, गाड़ी मिसफायर कर रही है, बदबू मार रही है। तो हमने देख सकते हैं ये सारे निकाल दिए हैं, 5 के 5 सिलेंडर। अब कहानी क्या है कि निकालने से पहले क्या धुआंधार फेंके, नहीं उससे पहले कुछ प्रोसेस है जो हमें टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे फ्यूल की सप्लाई टेस्ट कर लिया, कैसा है फ्यूल की सप्लाई? सही है बढ़िया। एयर की लाइन चेक कर लिया, वो भी बढ़िया है। आपका पीसीबी सिस्टम चेक कर लिया, बिल्कुल एक्यूरेट है। आपका वाइब्रेट सिस्टम, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा। अब कहानी कहाँ जा रही है, हेड के अंदर। तो हेड से पहले एक और प्रोसेस होता है जो हमें चेक करना होता है, एक इसकी टाइमिंग और दूसरा इसका स्पार्क प्लग। हमने स्पार्क प्लग ये निकाले हुए हैं। अब यहाँ जो भी मैकेनिक एक्सपर्ट होगा तुरंत बता देगा कहानी क्या है, कहाँ गड़बड़ है। देखो, देख रहे हो ना कैसे काला काला था, देख रहे हो ना। इंटरनली जो है कंबर्सन अच्छा ना होने की वजह से ये कालापन है। बहुत सारे लोग इसमें नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये टेक्निकली भाषा में मैं बोल रहा हूँ ये बातें, तो काफ़ी लोगों को नहीं समझ में आएगी, ये बात सही है। लेकिन मैं कहूँ कि ये गाड़ी का बदला हुआ पीस है तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है डिफरेंट। इसके बीच में मैं रखता हूँ, अब आपको समझ में आ जाएगा कि एक अच्छा हेल्थ में और बुरे हेल्थ में कितना अंतर है। देख सकते हैं गाड़ी का बदला हुआ पीस है, पुराना पीस है, लेकिन इसका देखिए ऐसा हेल्थ ऐसा होना चाहिए बिल्कुल वाइट, लेकिन इसके कोई भी वाइट नहीं है। देख रहे हैं सारे काले पड़े हुए हैं। अब यहाँ से आपको हेल्थ समझ में आएगा कि ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि एक अच्छे गाड़ी के हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है कि ये स्पार्क प्लग के अंदर का हेल्थ ओके होना। तो इस तरीके से देख रहे हैं, ये भी काम नहीं कर रहा, ये भी काम नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा। कारण जब भी इमिशन सही नहीं होगा तो गाड़ी के अंदर क्या करेगी, मिसफायर आएगा। मिसफायर का मतलब क्या है कि जो तेल है वो फूंका नहीं सही से, तो गाड़ी धड़ 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 करेगी। और जब तेल फूंका नहीं तो क्या करेगी, वो बदबू मारेगी। तो ठीक है, तो बखेड़ लो। अभी केम निकाली है दोनों, अब धीरे से एक एक ग्लासी पे नंबर डाल के अब इसको बाहर निकाल रहे हैं। अब जो एक्सपर्ट मैकेनिक होंगे वो कंडीशन देख के समझ जाएंगे कि क्या कहानी है इस गाड़ी के साथ। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो हेड के सिलेंडर हैं और हेड के वाल हैं वो सही कैसे दिखते हैं। तो ये रहा एक हेड, इसका सिलेंडर 1 2 3 तीनों सिलेंडर सही हैं, खाली इसके हेड के ऊपर वाला वाल ख़राब है, नीचे वाले वाल सही हैं। लेकिन अब इस हेड को देखिए, इस हेड में सारे सिलेंडर भी सही हैं और सारे वाल भी सही हैं। तो इसको बोलते हैं गुड हेल्थ। यहाँ पहले कन्फर्म हो गया कि गुड हेल्थ किसको बोला जाता है, अच्छा सिलेंडर और अच्छा वाल किसे कहते हैं। अब देखिए इस हेड को, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, उनको ज़्यादा पता भी नहीं रहता इस हेडों के बारे में, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। एक है सिलेंडर 5वां नंबर बिल्कुल डेड है, दूसरा नंबर बिल्कुल डेड है, दो तो डेड सिलेंडर है। अभी हमारे पास अच्छे सिलेंडर कौन से हैं, 1 3 4, ये अच्छे सिलेंडर हैं। अब इस अच्छे में से बुरे ये हैं, बताऊंगा मैं कैसे। उसके बाद से ये थोड़े से अच्छे हैं, एक थोड़े से अच्छे हैं। अब इस दो में एक ये थोड़ा सा बढ़िया काम कर रहा है मुकाबले इसके। अब कहानी ख़राब कहाँ से हुई है, देख सकते हैं ये डेड वाल है, ये इसकी सीटें बैठी हुई है, इसकी सीट बैठी है, इसकी सीट बैठी है। एक सीट सही है जो आंख से देख लीजिए और बिल्कुल मन में गड़ा लीजिएगा कि ऐसा ही होता है सिस्टम सारा, बिल्कुल ऐसे दुनिया में कोई भी उस्ताद बताने का ना, आज मैं बता ही देता हूँ। ये देखो डेड है, सीट बैठी हुई है, सीट बैठी, सीट बैठी, सीट बैठी, बैठी 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 बैठी, समझ गए। तो इधर की सारी सीटें बैठी है सिवाय एक सीट सही है। इधर की देख सकते हैं ये कंडीशन बुरी कंडीशन है। अब इसमें भी कंडीशन में देखना होता है ये क्या है, देख रहे हैं ना,
ये सूखा है, इधर ठीक है, ये गीला है, ये गीला है, यानी ये कम इस ये इमिशन सिस्टम सही नहीं हो रहा इसमें। तो यानी इन्होंने क्या किया, हेड का फेस कराया, देखिए लाइनिंग देख रहे हैं ना, इसका मतलब ये एमरी फेस नहीं है, ध्यान दीजिए, ये कटिंग है और रात पे तगड़ी करके कटिंग हुई है, तो ये कटिंग है, ये एमरी फेस नहीं। हम ज़्यादातर करके कोशिश करते हैं एमरी फेस के लिए, पर ठीक है ज़्यादा डाउन हुआ होगा इसलिए कर दिए होंगे। अब हेड गैसकेट लीकेज टेस्ट करेंगे, अब कंप्रेशर लीक तो नहीं है कहीं से बार बार से। तो फिलहाल सारे वाल बंद हैं, एक बार पानी डाल के सारे वालों की लीकेज चेक करो और मुझे बताओ कि कौन सा वाल लीक कर रहा है। बाकी तो गैसकेट निकालो जी जरा, ये लो पकड़ो, इसको पकड़ो साकिब। अरे तेरी यार, इतना गैसकेट का कैसे बुरा हाल हो सकता है। बस रुको, चलो घुमाओ, बस और घुमाओ हल्का सा, और बस बस ठीक है। इसको बारीकी से चढ़ के, ये देखो इंजन सीज तो नहीं है कोई, कोई स्लिप सीज हो, ठीक है चलो घुमाओ। स्टॉप चेक करना है कि कोई बैंड तो नहीं है कनेक्टिंग रोड, चलो बस वापसी करो एक हल्का सा, और ठीक है इसका स्लिप चेक कर लो, इस ठीक है ठीक है। इसको बहुत अच्छे से एक बार बजाओ तबीयत से, एक एक पुलिस छुटा देनी है, बिल्कुल वाइट कर देनी है इसे, ठीक है। और हेड का नंगा कर दो, इसके वाल को, इसकी वालों की लैपिंग करवा देते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। और पैकिंग देखो क्या क्या चाहिए, गैसकेट यहाँ तो मिलेगी नहीं, सीधा इंग्लैंड या जापान से मंगानी पड़ेगी। अगला प्रोसेस मेरा क्या रहेगा, एक तो हेड का वालों का काम लैपिंग कराना है सबसे पहले, कि वाल काम क्यों नहीं करे, एक्यूरेट काम ही नहीं करा कोई भी सिलेंडर, कारण बदबू मार रहे हैं। जब सही फ्यूल नहीं जलेगा ना, सही मिशन नहीं होगा, तो वही बदबू मारेगा, धुआं देगा, तो वही धुआं देती थी सुबह सुबह, बदबू मारती थी। अभी इसके दो तीन पार्ट्स हैं, वो मेरे को बाहर से मंगाना पड़ेगा, आउट ऑफ कंट्री, इंडिया से नहीं, मतलब इंडिया से बाहर से, क्योंकि इसका पार्ट इधर नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो लोकल सोकल मिलेगा, मेरे को ओरिजिनल डालना पड़ेगा। मुझे लग रहा है गैसकिट तो ओरिजिनल मिलेगी नहीं, तो मुझे लग रहा है जो डला हुआ होगा वही डालना पड़ेगा गैसकिट भी, और जो छोटी छोटी मिस्टेकें हैं उसको मेरे को करना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से। तो धुलाई लाई करवाते हैं। इसको खोलने के बाद से भैया गांव चले गए थे, गांव से आए हैं गंजे होके, अब इस गाड़ी को करवा रहे हैं, एक एक चीज़ सब फाइनल कर दिया यार, बढ़िया। तो आइए गाड़ी को टेस्ट करते हैं। तो काम हमने सारा फाइनल कर दिया, हेड वेड का टोटल, और ये ऑयल कूलर भी बदल दिया हमने, काफ़ी काम इसमें कर दिए, रीले पीले वायरिंग सायरिंग सारा लगा दिए। स्टार्ट तुरंत, अब पीछे चलता हूँ जल्दी से, कि पीछे की वायरिंग धुआं हुआ जो आ रहा था पहले, सबसे पहले हटना जरा, धुआं आ रहा है, धुआं नहीं आ रहा, और देखियो महक के, देखियो बदबू आ रहा है क्या, अब तो कोई बदबू नहीं है, है? बिल्कुल सेट, बिल्कुल सेट, थोड़ा और महक ले, दो चार मिनट, बहुत बदबू मारती थी ये गाड़ी, नहीं अब तो कोई भी बदबू नहीं है, बिल्कुल सेट है, नहीं यहाँ से तो बहुत बदबू मारता था रियलिटी में यार, अभी तो कोई भी बदबू नहीं है, अब सही है, नहीं तो यहाँ तो बैठा नहीं जाता था, इतनी बदबू मारती थी, कारण क्या था, कंबर्शन हो नहीं पा रहा था। अच्छा तो बिल्कुल सेट है, इंजन की कहानी देखते हैं। अरे चेक इंजन लाइट कोई रे, नहीं कोई लाइट नहीं, नहीं चेक इंजन लाइट आ रही है भाई, आ रही है, हाँ चेक इंजन लाइट, देखो स्कैनर लगाओ जरा, देखो क्या है, चेक इंजन लाइट, इंजन बेहतरीन है, देखो एसी चल रहा है क्या, तो एसी क्यों चला रखे हो, बंद करो यार, साइलेंट हो गई जो धर 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 मिसिंग करती थी, वो भी साइलेंट हो गई है, बिल्कुल लीकेज, नीचे से लीकेज भी के चेक करो एक बार, क्या कहानी है, ऑयल पोइल सब नया ऑयल डाला है हमने, एसी क्यों चला दिए थे भाई, पहले से चल रहा था, ओ शाबाश पहले से ही चल रहा है। तो ये है हमारी गाड़ी पूरी तरीके से स्टार्ट हो गई, एक बार अब इसमें कूलेंट डालना पड़ेगा, पानी भी हमने स्टार्ट कर रखा है, रवा करते हैं एक आध घंटा दो घंटे का, उसके बाद लीकेज पीकेज फैन चला के दो तीन बार चेक करो क्या कहानी है, बदबू का मेन चक्कर था वो बदबू फाइनल हो गया। चलो इसे टेस्ट करो पूरी तरीके से, फिर ड्राइव टेस्ट लेंगे इसकी, और गाड़ी को साफ भी करवाओ, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है इधर से टोटल। ये है वोल्वो S80। हेड खोल के और मैं गांव चला गया था, उसके बाद से फिर गांव से आया,
फिटिंग विटिंग हो चुकी थी, गाड़ी बढ़िया हो गई, जो बात है एक नंबर की गाड़ी हो गई है। सबसे बड़ी चीज़ है कि मिस्टेक कहाँ कहाँ हुई है, कैसे कैसे हुई है, उस पर थोड़ा सा मैं जिक्र करूँगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी इनकी ओवरहीट कर रही थी, मैकेनिक के पास लेके गए, उनका प्रोसीजर मुझे लग रहा थोड़ा सा गलत था। उनको सबसे पहले जो क्या करना चाहिए था, पूरी डायग्नोस करनी चाहिए थी कि गाड़ी के अंदर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। माना कि हेड गैस्केट फूंक गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किस वजह से फूंका वो चीज़ डायग्नोस करनी चाहिए। उन्होंने हेड गैस्केट डाल दी, गाड़ी तैयार कर दी। जब गाड़ी तैयार कर दी तो फिर ये पाइप लीक किया, फिर वो पाइप लीक किया, फिर ये पाइप लीक किया, क्योंकि प्रेशर बिल्डअप होने लगा, दोबारा से गाड़ी ओवरहीट होने लगी। कारण उसका रेडिएटर चोक था, रेडिएटर उन्होंने कराया नहीं, बार बार प्रेशर बिल्डअप की वजह से पाइपें फाड़ रही थी और बार बार वो पाइप एल्बो सेल्बो चेंज करते रहे। तो पहली मिस्टेक की, जब भी हेड गैस्केट फूक रहा है तो आपको रेडिएटर करा देना चाहिए, और हेड जब भी खोलो, ओवर हीटिंग से रिलेटेड यदि प्रॉब्लम है और गाड़ी का हेड फेस करा रहे हो तो सबसे पहले उसकी वालों का काम करा देना चाहिए, वाल की सील डलवा देनी चाहिए। उन्होंने क्या किया, खाली फेस करा, गैस्केट डाला, गाड़ी तैयार कर दी, फिर ओवरहीट होने लगी, दोबारा से पाइपलाइन डाली, फिर पाइपलाइन डाली, यानी सुधरी नहीं गाड़ी। तो कितनी मिस्टेक थी। अब हमने क्या किया, पहले प्रॉब्लम पकड़ा, इसका रेडिएटर चोक था, रेडिएटर करवाया, गाड़ी में मिसिंग थी, मिसिंग के लिए हेड खोला, देखा सारे वाल काम नहीं कर रहे प्रॉपर। आज जब भी काम नहीं करेगा वाल तो गाड़ी के अंदर क्या होगा, मिसफायर होगा और धुआं देगी गाड़ी, और धुएं में क्या होगा, भयंकर बदबू होगा जो इस गाड़ी में आ रही थी। अभी मैंने गाड़ी बना दी, वाल का काम करवा दिया, वो पहले ही काम हो जाता ना तो दिक्कत ही नहीं थी, दोबारा खुलनी नहीं थी। तो अभी वाल का काम करा, इमिशन टक टक होने लगता है ना, तो प्लग बिल्कुल वाइट निकलते हैं। जब प्लग वाइट निकलेंगे इसका मतलब कोई बदबू नहीं रहेगा और ना ही कोई धुआं पुआं रहेगा। खाली वाल सील की तो गड़बड़ी थी और इसके रेडिएटर की गड़बड़ी थी कि पूरी गाड़ी नाश हो गई। हालांकि कई सारे चीज़ मैं नहीं दिखा पाया हूँ, कारण क्योंकि मैं दुकान पे यार था नहीं, मैं दुकान पे आया तो देखा काफ़ी कुछ हो चुका था, तो फिर जो था वही रियलिटी दिखाई, पर गाड़ी बिल्कुल एक्यूरेट हो गई। तो ठीक है, ओके, थैंक यू यार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दिल से आप लोगों को थैंक यू।